एनसीएपी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखो हमेशा याद रखना, करंट में हमें जो है करंट के साथ साथ उसकी को रिलेटेड चीज याद रखनी, जो उसका बेसिक्स है, वहीं पर यूपीएससी का क्वेश्चन, और वो बैकग्राउंड रिसर्च हमें करना है। वो बैकग्राउंड रिसर्च के साथ साथ उस कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब ये न्यूज में है बिकॉज आपकी जो एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में मैगजीन है डाउन टू अर्थ, जिसको पब्लिश करता है थिंक टैंक सीएससी, उसने एनसीएपी के कंटेक्स्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की कि किस तरह वहां पर फंड का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और फंड का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है और ये डाउन टू अर्थ ने कहा है, ये न्यूज तुम्हारे काम की नहीं। यस, ये न्यूज तुम्हारे काम की है पेपर मेन्स में, जहां किसी प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में तुम उसको क्या करोगे, लाइन को यूज करो। प्रीलिम्स के लिए तुम्हारे लिए यूजफुल क्या है, एनसीएपी, पूरा बैकग्राउंड। मैं बैकग्राउंड समझा देता हूं, थोड़ा पेशेंस रखना, धीरे धीरे जो है ना वो कंटेंट जो है ना धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी वो कंटेंट है भी नहीं तो क्या होगा, बहुत बेचैनी होगी, आता ही नहीं। हमारे शहर जो है पोल्यूट, आप पोल्यूट हैं इस कंटेक्स्ट में, आपके पास क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, आप मेजर कर सको। अब अगर इंडेक्स होना चाहिए तो सूचकांक होना चाहिए, तो मेजरमेंट के कंटेक्स्ट में कुछ पोल्यूटेंट्स भी होने चाहिए जिस बेस पे आप मेजर कर सको। अब हमें अगर वायु गुणवत्ता चलाना है कार्यक्रम, तो हम वायु गुणवत्ता प्रोग्राम किस शहर में चलाएंगे, जहां पोल्यूशन है कि पोल्यूशन नहीं है। अब पोल्यूशन है तो सारे शहर या कुछ सिटीज को हम टारगेट करेंगे। अब बेसिक बताता हूं, 2009 में आपका शहरों का पोल्यूशन मेजर करने के लिए एक सूचकांक आया, NAAQI, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता सूचकांक। इस इंडेक्स में 12 पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर सिटीज को जो है क्लीननेस के कंटेक्स्ट में रैंकिंग दी जाती है, और जो शहर उन मेजर्स पर खड़े नहीं उतरे, जो स्वच्छ नहीं, उनको बोला जाता है नॉन अटेंडमेंट सिटीज, जहां पर इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, पोल्यूटेंट। अब ये 12 कौन से हैं हम बाद में देखेंगे, क्योंकि 12 के 12 पोल्यूटेंट पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा और बेसिक बता देता हूं, ये NAAQI जो है कॉम्प्लेक्स है, तो उस कंटेक्स्ट में 2014 में हमने लॉन्च किया स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान में NAAQI को मॉडिफाई करके हम लेके आए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 8 पोल्यूटेंट के बेसिस पर जो कॉमन मैन को भी समझ में आ जाए वो हमने गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया। इन 8 में से 12 में से वो 8 है, प्लस 4 यहां क्या है, अलग। इन 12 में 2 पोल्यूटेंट हैं आपके PM2.5, PM10, पर्टिकुलेट मैटर जिसके साइड 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोमीटर, वही है। अब ये बैकग्राउंड क्लियर, NAAQI सूचकांक है जिसमें आप मेजर करते हो इंडेक्स पोल्यूशन को, मेजर करते हो 12 पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर। जिन शहरों में पोल्यूशन है वो उन मानकों को पूरा नहीं करना, NAAQI के वहां पर पोल्यूशन है वो उन मानकों को, उन स्टैंडर्ड को जो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन शहरों को हम क्या बोलते हैं, नॉन अटेंडमेंट सिटी। तो ये नॉन अटेंडमेंट सिटी किस इंडेक्स के बेसिस पर है, NAAQI। ये NAAQI पर नहीं है, जो NAAQI क्या है बाद में आई, क्योंकि ये कंफ्यूजन अब होगा जब क्या है, नॉलेज होगा। जब नॉलेज है ही नहीं तुम इसी को बेस मान के आंसर कर दोगे, बट कई बार ये पूछेगा तो क्या होगा, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। तो
पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हमारा NAAQI है 2009 में, उसके बाद NAQI है 2014 में, इसमें 8 पोल्यूटेंट है, इसमें क्या है 12 है। अब ये जो NAQI है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें जिन शहरों ने उस पॉल्यूशन को अचीव नहीं किया मानको, तो उनको हम क्या बोलते हैं नॉन अटेंडमेंट सिटीज। तो जो NCAP कार्यक्रम है जो हम अभी पढ़ रहे हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वह नॉन अटेंडमेंट सिटीज में चालू किया गया है, जहां PM2.5 जो पोल्यूशन है, जो आपके धूल मिट्टी वगैरह जो है जिसके साइज जो भी पार्टिकल्स हैं, और PM10 जो पोल्यूशन है उसको क्या करना है कम करना। अब वो कितना कम करना है, क्या कम करना है, वो हमें क्या याद रखना है कंटेंट याद रखना है। बट NCAP कार्यक्रम है किन शहरों में, नॉन अटेंडमेंट सिटीज किस इंडेक्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई या पहचाने जाते हैं, NAAQI जो लॉन्च किया गया था कब 2009 में। बट इस कंटेक्स्ट में NCAP में क्या ये सारा 12 पोल्यूटेंट को कम करना है या PM2.5 और PM टारगेट है, PM2.5 एंड PM10 ही क्या है टारगेट, क्लियर इतना। अब मैं आता हूं, एक नोट डाउन कर लो फिर मैं समझा दूंगा वापस। इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा पेशेंस रख के चलना क्योंकि बाद में ये भी आएगा, हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी हमने पूरा ये किया तो हमारी न्यूज पीछे छूट जाएगी, हम करते रहेंगे तो ये स्नैपशॉट धीरे धीरे जब मिलता रहेगा तो यही क्या होगा बाद में कंसोलिडेट हो जाएगा। तो मैं जो न्यूज बनानी है वो एनवायरमेंट की सारी न्यूज अलग रखनी है, साइंस की अलग रखनी है, ज्योग्राफी की अलग रखनी है। अब यह है जो प्रोग्राम है NCAP, यह है 2019 में चालू किया गया, जिसके तहत यह शुरुआत में 102 जो नॉन अटेंडमेंट सिटीज है, नॉन अटेंडमेंट सिटीज जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है उनमें चालू किया गया। वर्तमान में ये सिटीज बढ़कर अराउंड आपके 131 हो चुके, जिसमें PM2.5 और PM10 जो है उसके लेवल को क्या करना है कम करना, उसके लेवल को क्या करना है कम करना। अब मुझे लेवल को कम करना है तो मेरे पास वो लेवल का बेस क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मुझे किसी वर्ष को आधार बेस बनाना होगा कि नहीं होना होगा कि इसमें इतना था इसके मुकाबले मुझे इतना कम करना होगा। तो यह जब चालू करेगा तो इसने PM2.5 और PM10 का बेस जिसके मुकाबले मुझे क्या करना है कम करना है, तो इसके लिए बेस ये रहे 2017। अब 17 के मुकाबले जो PM2.5 और PM10 का जो उस समय प्रदूषण था तो इसे वह 2024 तक 20-30% क्या था कम करना। बट ये टारगेट रिवाइज किया गया है लास्ट ईयर, और इस नए टारगेट में जो है जो ये टारगेट था उसे रिवाइज करके कहा गया है कि PM10 को 40% तक जो आपको क्या करना है कम करना है, कब 25-26। इसका कार्यान्वयन, इसका इंप्लीमेंटेशन नेशनल लेवल पर आपका कर रही है कौन, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेंस में भी यूज होगा, कैसे मैं बाद में समझाता हूं, पहले लिखो NCAP
NCEP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट ईयर 2019, चालू वर्ष 2019, इसके तहत PM10 व PM2.5 प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है. अंडर इट PM10 एंड PM2.5 पॉल्यूशन हैज टू बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट, ये कार्यक्रम नॉन अटेंडमेंट शहरों में, नॉन अटेंडमेंट शहरों में, दिस कार्यक्रम, दिस प्रोग्राम टू बी इंप्लीमेंटेड इन नॉन अटेंडमेंट सिटीज. नॉन अटेंडमेंट सिटीज किसके बेस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? NAAQI. तो अभी 131 है, नंबर याद नहीं रखना, 131 है याद नहीं रखना. नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम वाज फॉर 5 years, ये कार्यक्रम 5 सालों के, परंतु वर्तमान में समय सीमा बढ़ा दी गई. दिस प्रोग्राम वाज फॉर 5 years बट टाइम पीरियड हैज बीन इंक्रीज, हैज बीन इंक्रीज. क्या रिविजन हुआ याद नहीं है? ये लाइन भी लिख लो. अर्लियर टारगेट, पहले टारगेट PM2.5 एंड PM10 को 2017 के मुकाबले 2017 के मुकाबले 20 से 30% कम करना, 20 से 30% कम करना 2024 तक. अगले टारगेट वाज टू रिड्यूस PM2.5 एंड PM10 पोल्यूशन, PM2.5 एंड PM10 पोल्यूशन एज डेट ऑफ 2019 बाई 20-30%, बाई 20-30% बाई 2024. तो बेस ईयर क्या है इसके लिए? 2017, आधार वर्ष 2017. न्यू वाला बस रिवाइज हुआ है, वो पूछेगा नहीं. ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, कार्यान्वयन संस्था, कार्यान्वयन संस्था CPCB, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इस कार्यक्रम के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत केवल और केवल शहरों में वो कम ही नहीं करना, कम करने के साथ साथ अगर आपको पता ही नहीं है पोल्यूशन क्या है, आपके पास डाटा ही नहीं है तो कम नहीं कर सकते. तो उस कंटेक्स्ट में मॉनिटरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करना, जो क्या करे, एयर क्वालिटी को क्या करे, मेजर करे, वो सब भी इस कार्यक्रम का क्या है, पार्ट. अभी उतना डिटेल में नहीं जाना, जब बहुत ज्यादा न्यूज में होगा तब. ये 2017 में जब प्रोग्राम आया था 19 में, तो 18-19 का डायग्राम है उस समय का, जहां डिटेल में था, उतना ज्यादा अंदर नहीं जाना. आगे बढ़ू.